नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हैं। कई दिनों से उनके दोबारा बाप बनने की खबरों से वो सवालों के गलियारों में बने हुए हैं। वहीं अब भारतीय बैट्समैन के खास दोस्त एबी डिविलियर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि वो दोबारा पिता बनने वाले हैं, जिसके चलते वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे। लेकिन अब डिविलियर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोहली के पिता बनने वाली बात झूठ थी और करीब 5 दिन पहले एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि विराट कोहली दूसरी बार पापा बनने वाले हैं, जिसके चलते वो क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों से विराट कोहली ने निजी कारणों के हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि ना तो विराट कोहली ने और ना ही BCCI ने इस बात का खुलासा किया था कि कोहली ने क्यों अपना नाम वापस लिया है। फैंस कोहली को लेकर अपने अपने अनुमान लगा ही रहे थे कि डिविलियर्स ने उसमें कोहली के दोबारा पिता बनने की बात का तड़का लगा दिया। लेकिन अब पूर्व साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली की प्राइवेसी को लेकर कहा कि परिवार क्रिकेट से पहले आता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी गलती कर दी, वो जानकारी गलत थी। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में से 2 मुकाबले हो चुके हैं। BCCI ने पहले 2 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था। आखिरी 3 टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि विराट कोहली बाकी 3 टेस्टों से भी बाहर रह सकते हैं। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी की खबरें काफी दिनों से चर्चा में है, इससे जुड़ी कई खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अब तक ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी करीबी ने उनकी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ कहा हो, लेकिन इस पर भी एबी डिविलियर्स ने माफी मांगते हुए इस खबर को झूठा बता दिया है। बता दें कि 22 जनवरी को हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी न्योता अनुष्का और विराट को आया था, लेकिन वो दोनों अयोध्या नहीं पहुंचे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी के चलते ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन इन खबरों पर भी विराट और अनुष्का दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई थी। ऐसे में एबी डिविलियर्स के इस बयान ने फैंस को काफी कंफ्यूजन में डाल दिया है। आपको क्या लगता है, एबी डिविलियर्स द्वारा की गई ये टिप्पणी सच है या फिर नहीं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरी हाउ।